से भी फोन आया है तो कॉलिंग में है हमारे घर वाले यहाँ पे, और रास्ते का सीन देखते हुए चलते हैं और गुड न्यूज रिवील करते हैं आप लोग के सामने। गुड आफ्टरनून आप सभी को, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते पलाक, मेरे से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। आई होप कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मस्त हो गए। तो आज मैं भी रैबिट बन के आ गई हूँ, तो बहुत टाइम हो गया था घर से बाहर नहीं निकले थे, मैंने चलो आज टहलने चलते हैं। मौसम मैं दिखाती हूँ, आज थोड़ा प्लस में टेम्परेचर है मगर कल रात भर स्नो पड़ी थी जिसके कारण घर के बाहर ये हाल हो रखा है। तो आप लोग देख सकते हो धूप भी आ रखी है मगर घरों के बाहर आप लोग देख सकते हो पूरा ऐसा हाल हो रखा है, चारों तरफ स्नो स्नो। सुबह तक तो पेड़ों में पूरी स्नो ऐसी भारी हो रही थी, मैंने सोचा कि इतनी जल्दी तो मेल्ट कहाँ होगी, मैं आराम से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, व्लॉगिंग बनाऊँगी करके, मगर आज इतना प्लस में टेम्परेचर था पेड़ों से और जो लोगों के घरों के ऊपर स्नो होती है वो गलने लग गई। तो हमने बोला चलो कोई ना जितना है इतना दिखाते हैं, तो अभी तक इनने पूरी स्नो साफ करी, तो पूरा ही स्नो साफ कर अभी जैसे आना जाने का गाड़ी आड़ी निकालने का काम होगा, इसीलिए तो हम लोग अब चल रहे हैं टहलने। ये भी आ गए, मैं ना चलो थोड़ा वॉक के लिए चलते हैं, कहाँ तक क्या हाल हो रखा है देखते हैं करके। गाइस हमारा अचानक से प्लान बना, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ग्रोसरी करने, मतलब ग्रोसरी करने नहीं थोड़ी शॉपिंग करने आ गए हैं हम लोग इंडियन स्टोर पंचवटी में, और हमारा घर से भी फोन आया है तो कॉलिंग में है हमारे घर वाले यहाँ पे सबके सब। तो अभी बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग आते आते बात कर रहे थे इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बना पाई। तो हम लोग सीधे पंचवटी में जाते हैं, थोड़ा सामान लेते हैं और घर वालों को बोलते हैं टाटा बाय बाय, फिर बना मिलती हूँ मैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। गाइस घर वालों को भी बोल दिया हमने बाय बाय, बात खत्म हो गई है। तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, शॉपिंग करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ, आप लोग के लिए है एक बहुत प्यारा सा गुड न्यूज जो मैं अभी नहीं बताऊंगी आप लोग को, जब हम घर पहुंचेंगे उसके बाद गुड न्यूज रिवील होने वाली है, और वो गुड न्यूज हमारे लिए भी है बहुत अच्छी और आप सब लोगों के लिए भी गुड न्यूज बहुत बढ़िया है, और मुझे उम्मीद है कि वो गुड न्यूज सुनने के बाद आप लोग होंगे बहुत ज्यादा खुश। कितने खुश होगे, कितने परसेंट खुश होगे ये भी बताना मुझे, 100 में से out of 100 कितने परसेंट खुश होगे, ठीक है। मगर उससे पहले थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आप लोग को, हम लोग पहले जाते हैं शॉपिंग के लिए। क्या लगता है आप लोग को, मजा आएगा गुड न्यूज सुन के? जबरदस्त। तो हम लोग चलते हैं और कितना मजा आया गुड न्यूज सुन के वो आप लोग हमें बताओगे कमेंट में। तो चलो पहले चलते हैं शॉपिंग के लिए हम लोग। गाइस हम लोग आ गए और आज ही ट्रॉली भर चुकी है हमारी ये सिर्फ कटर वटर चीजों से। तो हम लोग अभी एक हमें एल्युमिनियम फॉइल पेपर देखना है तो वो ढूंढ रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट सामान ले लिया हम लोग ने, अब वही ढूंढ रहे हैं फिलहाल कहाँ मिलता है। देखो गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ पे शॉपिंग करके, तो फुल शॉपिंग हो गई है, पीछे हमने रख लिए हैं बैग्स, तो अब निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए। तो चलिए घर को चलते हैं हम लोग, और रास्ते में स्नो से कैसा हाल हो रखा है, हम लोग टहलने नहीं गए थे, मैंने वीडियो सुबह बनाई थी कंटिन्यू जैसे हम लोग टहलने के लिए निकल ही रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे फुटपाथ की जो स्नो होती है वो साफ नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग फिर वापस अंदर आ गए थे, और फिर हम लोग ने सोचा कि सीधे यहीं आते हैं अब थोड़ा सामान लेने। तो अब मैं रास्ते का आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसी स्नो कितनी हो रखी है, वैसे प्लस में टेम्परेचर है आज, धीरे धीरे गलने लग गई है लोगों के घर के ऊपर से। चलिए चलते हैं घर को और रास्ते का सीन देखते हुए चलते हैं और गुड न्यूज रिवील करते हैं आप लोग के सामने। आ गए हम लोग घर में और ये सामान आया है मेरा आज, ये सर में लगाने वाला तेल नहीं देखा हाँ, खाने वाला। तो ये देखो, तो ये सामान लेकर आए हैं, तो पता है ये इतने वो हैं, मैंने जब ये सारा सामान लिया बोला जब इतना सारा सामान खाएगी तो डाइजेस्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो हाथ मोला मिलेगा बोले डाइजेस्ट करने के लिए भी तो चाहिए, तो हाजमोला भी लेकर आए। तो बताओ ये हाजमोला ऐसे किस किस को पसंद है, कौन ऐसे खाता था? मैं तो बहुत खाती थी स्कूल टाइम पे ना, पैकेट्स लेके हम लोग, और मम्मी कैंटीन से भी खूब लाती थी। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर आए हैं, ठीक है। और आप लोग को दिख रहा होगा कि बहुत दिन से मेरे ब्लॉग भी नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप क्या हो, बहुत बिजी हो, आजकल ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। मैं रिप्लाई देने की हालत में भी नहीं थी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, कल तक मेरी थोड़ी सुस्त हो रखी थी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रखी थी। तो तबीयत ख़राब क्यों हो रही थी वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी, पहले मैंने आप लोग से ये भी बोलता घर पहुंचने के बाद हम गुड न्यूज़ रिवील करेंगे। तो बताओ बता
सो गाइज, फाइनली अब हम दोनों यहाँ पे आ गए हैं हमारी जो गुड न्यूज है वो रिवील करने के लिए. आ गया है टाइम. तो बता दे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता दो. बता दिया जाए. बिल्कुल. सो गाइज, गुड न्यूज ये है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. चलो मैं बता दी थी, मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है ना ऐसे वो करने. तो गुड न्यूज ये है कि हम हैं अपकमिंग पेरेंट्स. ये कैसे कर रहे हैं ये. तो गाइस, एक्चुअली मैंने पिछले वीक ही कर रखा था, अभी तो 1 वीक भी कंप्लीट नहीं हुआ है मुझे टेस्ट करे हुए. मैं चाह रही थी कि आप लोग को डायरेक्ट बता दो, आप लोग से जल्दी शेयर करना चाह रही थी ये गुड न्यूज, मगर काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे ना कि व्लॉग नहीं आ रहा. मैं सोच बहुत दिन से लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, मगर मैं इस हालत में भी नहीं थी कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं. आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई, क्योंकि बहुत से लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग के टाइम पे होता है. वैसे मुझे तो नहीं पता था, बहुतों को होता है बहुतों को नहीं होता है, मगर मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं व्लॉग्स बना पाऊँ. आप लोग समझ सकते हो, अगर जिनके घर में बेबीज हैं वो समझ सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम हुई थी कि कैसा होता है. तो आजकल मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है और व्लॉगिंग की मुझे मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत हो गई थी, इसलिए नहीं आ पा रही थी. मगर अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, मगर अब जितना हो सके मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये फर्स्ट बेबी है हमारा. तो है ना, तो फर्स्ट है तो हमारे लिए सब कुछ नया है, हमें कुछ नॉलेज नहीं इस बारे में, जो भी है थोड़ी बहुत, क्योंकि आप लोग को पता है जैसे हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं और फैमिली भी हमारी इंडिया में ही है, तो जो वहाँ से गाइडेंस मिलती है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं. जैसे बहुत चीज़ खाते हैं, बहुत चीज़ नहीं खाते, बहुत चीज़ें होती हैं, ये मत खाओ, ज़्यादा उछल कूद मत करो, ज़्यादा डांस नहीं कर सकती मैं, कुछ भी नहीं कर सकती, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलते हैं कि इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जो शुरू के मंथ्स होते हैं 2-3 मंथ्स होते हैं. तो अभी हुई है तो हम लोग ने सीधे आप लोग के साथ शेयर करी है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, इसे पता चले जाएगा. आई होप कि आप सब लोगों को भी खुशी हुई होगी जितनी मुझे हुई है. तो अब मैंने रीज़न भी बता दिया आप लोग को कि मेरे इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं डाले थे, और आप लोग को कितनी परसेंट की खुशी हुई बताओ हमारा भी. मैं तो बहुत 1000%. मुझे भी उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग प्यार करते हैं आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे. और अगर कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग हमारे साथ शेयर करिए, ताकि हम फॉलो करें, ताकि वो हमारे आने वाली बेबी के लिए अच्छा रहे. क्या क्या मैं खाऊँ, क्या चीज़ हेल्दी चीज़ें होती हैं जो मैं खाऊँ इस टाइम पे, क्या चीज़ नहीं खाऊँ. जैसे पपीता नहीं खाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें पता है जो नहीं, वो आप बता दो मुझे. तो मतलब जैसे मैंने बोला लास्ट वीक मैंने करी थी चेक, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो प्रेगनेंसी वो किट होती है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे वीडियो बना के रख दी थी आप लोग के लिए, आप लोग के साथ शेयर करूँगी करके, क्योंकि आप भी एक तरीके से मेरी फैमिली हो, तो आप लोग को भी बिल्कुल अच्छे से दिखाना चाहती हूँ मैं. तो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी. अभी मैं ज़्यादा बोलने की इसमें भी नहीं हूँ, थोड़ी भूख लग रही है तो जाते हैं कुछ पेट पूजा करते हैं हम लोग. फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से थोड़ी देर बाद. गाइस, यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं. शाम को तो मैंने चलो तो मैं थोड़ा सो गई थी, दिन में मैं एक झटके सो जाती हूँ, तो भूख लगने लग गई थी तो एक चीकू खा दिया मैंने, और दूसरा चीकू अभी काट रखा है, तो फिर मैं अभी खा रही थी, मतलब अभी खाया है मैंने. तो मैंने चलो व्लॉगिंग बना के मैं एंड भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को इस टाइम पर क्या हो रहा है ना, मेरी डाइट कम हो गई है. अभी नॉर्मल है बताओ, मेरी डाइट कम हो गई है, मुझे हर आधे घंटे बाद भूख लग रही है. तो मुझे हर आधे घंटे बाद या तो मुझे फ्रूट चाहिए या तो मुझे रोटी चाहिए. मतलब एक बार में मैं एक रोटी खा रही हूँ तो, और थोड़ी थोड़ी देर बाद तो मुझे फ्रूट चाहिए या कोई जंक फूड में चाहिए, कुछ ना कुछ पेट में डालने के लिए चाहिए खाने के लिए, जिससे थोड़ी देर के लिए शांत हो जा रही. तो ऐसा हो गया, मेरा डाइट कम हो गई है, मगर भूख पहले जो 3 टाइम की मील थी मेरी, अब वो 6-7 टाइम्स की हो गई है. 6-7 बार मैं मील लेती हूँ, जिसमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाती हूँ, थोड़ा छोटा मोटा. तो ऐसा क्या ये ओके है, नॉर्मल है, ये मेरे साथ बताना. तो अब मैं चीकू लेती हूँ, खाती हूँ, ताकि थोड़ा पेट को आराम मिले. और अगर व्लॉग भी एंड करने का टाइम आ गया, अगर वीडियो भी पसंद आई है आप लोग को, अगर व्लॉगिंग, अगर आप लोग को गुड न्यूज़ कितनी अच्छी लगी आप लोग प्लीज़ बताओ, और अपना आशीर्वाद जितने भी बड़े लोग हैं हम पे बनाए रखना, आशीर्वाद देना बहुत सारा.
तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल में नए हो गाइस, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, ताकि वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहे। तो अपनी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी अब आप लोग के साथ में शेयर करते रहूँगी। तो मिलूँगी कल को नई दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।